नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या हो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। बाड़मेर जिले में मंगलवार को जाट समाज के शमशान में फेंका एक नवजात का शव मिला। शमशान में नवजात का शव फेंकने होने की खबर आग की तरह गांव में आसपास इलाके में फैल गई। हालांकि किसी ने भी ये नहीं बताया कि आखिर ये करतूत किसकी है। नवजात के शव के पास पैरों के निशान भी मिले, जिससे प्रेरित होता है कि नवजात के शव को यहाँ फेंक कर परिजन चले गए। हो सकता है कि किसी कुंवारी माँ के नवजात को फेंका गया हो। स्थानीय लोगों के द्वारा इसकी जानकारी थाना पुलिस को दे दी गई। हाँ, ये मेरे चाचा का खेत है और मेरा घर भी यहाँ पास में है। और ये जो भीमगुड़ा ग्राम पंचायत है, यहाँ पे सेवा केंद्र बना हुआ है। इसके सामने जो शमशान भूमि हमारे जाट समाज की, उसके पास में ही जो एक शमशान भूमि के अंदर एक बच्ची को डाला है किसी ने, और उस बच्ची को डाला है उससे 50 कदम आगे कुछ ब्लड भी पड़ा हुआ है और दो व्यक्तियों का पैर भी मिला हुआ है हमें, लेकिन पता नहीं किसने डाला है। वो पता अभी तक चला नहीं है, लेकिन पुलिस आई थी और पुलिस बच्ची को जाँच के लिए लेके गई है जी। आज दिनांक 1/2/2020 को सवेरे करीब 10:30 बजे भीमगुड़ा या कलजी की बेरी किसी या व्यक्ति ने सूचना दी कि शमशान घाट कलजी की बेरी में किसी नवजात शिशु को मरने के पश्चात या पूर्व किसी ने नाजायज संतान सिपाने के उद्देश्य से डाल दिए, जिस पर हम यहाँ आए जी। और बच्ची को फर्ज सुरताल वगैरह दस्तावेज बनाए और उच्च अधिकारियों को हालात निवेदन किए गए। अब बच्ची का हम पोस्टमार्टम करवाएंगे, मेडिकल बोर्ड से हड़चा ले जा रहे हैं जी। नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध करके जो भी मुलजिम है उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पीराराम नामक व्यक्ति ने FIR दी है, उस पर हम प्रकरण पंजीबद्ध करेंगे। फिलहाल जांच जारी है जी। वहाँ कोई डालने वाले और भी कोई सबूत मिले आपको क्या? सबूत तो ऐसे सबूत तो कोई है नहीं, पद चिन्ह जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो डालने वाली महिला पुरुष या अभियुक्त के है या दूसरे किसी के, वो सस्पेंस है जी जी। बिल्कुल जांच का विषय है, पता हम ये पोस्टमार्टम वगैरह कार्रवाई करने के बाद में इसके संबंध में पूरी कार्रवाई और जांच करेंगे जी।